पीछे घूमिए तो आप। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 10 मिनट के अंदर SD मेकअप बताऊंगी कि आप बिना ब्रश बिना ब्यूटी ब्लेंडर से आप 10 मिनट के अंदर कैसे तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी क्लाइंट आ गया, उसके पास टाइम ना हो, 5 मिनट 10 मिनट टाइम हो, तो आप कैसे किसी को रेडी कर सकती हैं और अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो। आप ध्यान से देखिए तो आप भी आसानी से आप कर सकते हैं मेकअप, काफ़ी बढ़िया और ग्लोई मेकअप आप घर बैठे आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक आप जरूर देखें, तो आई होप कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इनका सबसे पहले, किसी का मेकअप करो ना तो सबसे पहले क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर जरूरी होता है। तो क्लींजिंग मींस आप क्लींजर से लेके उसके बाद चेहरे को 2 मिनट मसाज करके हटा लेना है क्लींजिंग, फिर टोनिंग आपको करना है। आपके पास बायोटिक हो या गुलाब जल भी आप लगा सकते हो। उसके बाद मॉइस्चराइजर, आपके पास यदि कोई भी मॉइस्चराइजर हो, निविया हो, पॉन्ड्स हो, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इनका CTM मैं कर ली थी, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। उसके बाद इनको बस 10 मिनट टाइम था और जल्दी से इनको तैयार होके जाना था बर्थडे पार्टी में। तो फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए था, तो टाइम था नहीं कि ब्रश से मैं करती, इसीलिए मैं हैंड का ही यूज कर रही थी और इनको जल्दी से तैयार मैं करी थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैं सीरम थोड़ा सा लगा ली थी, उसके बाद फिर ये मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो मैं हाथ से ही इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हाथ से क्या होता है ना, हैंड में ना वो हैंड से बहुत अच्छे से आपके स्किन में भी ऑब्जर्व हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि हैंड आपका गर्म होता है, हीट होता है, पूरे स्किन में आपका ऑब्जर्व भी हो जाएगा और पूरा स्किन में आपको पेनिट्रेट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ मेकअप भी किया है। बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं इनका फाउंडेशन लगा ली थी, उसके बाद आई मेकअप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इनका कॉस्ट्यूम ना बिल्कुल ब्लैक था, तो ब्लैक पे ही मुझे आई मेकअप करना था, थोड़ा स्मोकी मेकअप भी उससे कपड़े के अकॉर्डिंग मुझे करना था, और थोड़ा सा मैं रेड आई कॉर्नर पे मैं दी हूँ ताकि वो ना थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसी वजह से ब्लैक पूरे था, इसी वजह से थोड़ा सा रेड मैं दी हूँ। ठीक है, और कॉर्नर पे मैं ब्राउन शेड मैं यूज की हूँ और आउटलाइनिंग की हूँ, वहाँ पर कट क्रीज मैं बनाई हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें कि आई मेकअप मैं कैसे की हूँ, पूरा इनका मेकअप मैं 10 मिनट में कैसे तैयार की हूँ, आप आसानी से सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाती हूँ और आई होप कि हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखते होंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं मैं इनका आई मेकअप कर रही थी, थोड़ा सा भी मैं ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर का मैं यूज़ नहीं की हूँ, मैं सारा मेकअप इनका हाथ से ही की हूँ फ्रेंड्स। 2 लोग को तैयार करना था और जल्दी से मैं सोची कि जल्दी से इनको टाइम नहीं है और मैं किसी भी कस्टमर को जाने नहीं देती हूँ, यदि उनके बस कम टाइम है तो उसी अकॉर्डिंग मेरे को काम करना रहता है और जल्दी से 100% काम करना रहता है और अच्छे से करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैं इनका आई मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ मैं। तो आई शेडो आपके पास यदि ब्राउन ब्लैक है तो उससे भी आप कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, आईब्रो जेल से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सामने दिखा मैं उनको कर ली, लेकिन आई शेडो पैलेट से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं फ्रेंड्स, आप आसानी से कर सकते हैं। और आईब्रो पाउडर का भी काम आ जाएगा और आप उससे भी कर सकते हैं, अच्छा नेचुरल दिखता है, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आई शेडो हो, आई मेकअप होने के बाद ना आईब्रो डिफाइन में कर ली थी। उसके बाद ये पूरे लास्ट तक वीडियो देखे फ्रेंड्स, काफ़ी नेचुरल लुक भी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छी थी, खुश भी हो गई थी कस्टमर, और बहुत अच्छी भी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आई मेकअप हो गया, फिर मैं थोड़ा सा आई कॉर्नर पे ना रेड से मैं की थी, फिर कट क्रीज थोड़ा सा मैं बनाई हूँ ब्राउन शेड से, उसके बाद लास्ट में मैं ब्लैक आई शेडो में लगाई हूँ, ठीक है। उसके बाद आईब्रो में डिफाइन की हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स आई लाइनर में मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आई लाइनर मैं यूज कर रही थी, ठीक है। और ये लिपस्टिक देखिए मेरा, बहुत जल्दी मैं मेकअप की हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर मैं, उनको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी उनका मेकअप भी हो गया। और मैं उनके पास क्योंकि टाइम नहीं था और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी मैं तैयार, मैं तो उनको बोली थी कि नहीं मैं 5 मिनट के अंदर कर दूँगी, आप बैठो, अब आप भरोसा रखो 5 मिनट में मैं कर दूँगी। अब मैं उनको 10 मिनट के अंदर मैं रेडी कर दी थी, मेकअप मैं कर दी थी, 10 मिनट बाल बनाने में लगा था फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रेडी हो गई और इनको मैं लिपस्टिक में लगाई हूँ। न्यूड सेट है, थोड़ा सा कैमरा में दिख रहा है, न्यूड सेट ही मैं लगाई हूँ। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ब्रो बॉन को मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ, वाइट आई हाईलाइटर से मैं हैंड से ही कर रही हूँ, फिंगर से ही कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और नाइट मेकअप ही था फ्रेंड्स, नाइट मेकअप था, और ज़्यादा मैं फाउंडेशन भी यूज नहीं की थी, बिल्कुल नेचुरल इफ़ेक्ट दिख रहा था। और ये वीडियो लास्ट तक देखें, मैं बताऊँगी कि फाउंडेशन काजल मैं किस कंपनी का मैं यूज की थी। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स, ये आईज़ के नीचे भी मैं फिंगर से ही इनका आई शेडो मैं लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ब्रश का जल्दी यूज नहीं की हूँ, सारा मेकअप हैंड से ही की हूँ। तो ये आई शेडो लगाने के बाद ना फिर ब्लैक आई शेडो से मैं वहाँ पर स्मच कर रही थी, ताकि आईज़ बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखे। और आप ये देख सकते हैं आईज़ कितना प्यारा लग रहा है। तो ये उसके बाद ये इनका मेकअप डन हो गया। उसके बाद इनका मैं काजल में लगाई हूँ, और काजल ये फ्रेंड्स ये रैनी का काजल है, काजल ये काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है। और उसके बाद लिपस्टिक जो मैं लगाई हूँ ना वो है शुगर का लिपस्टिक है, उसके बाद रेवलॉन का आई शेडो पैलेट है, और आईब्रो भी। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक, और उसके बाद मैं इनका बिंदी मैं लगाई हूँ। तो ये लिप जो आउट लाइनिंग मैं कर रही हूँ, थोड़ा डार्क शेड से मैं, बिल्कुल ब्राउन शेड से मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। और ये फ्रेंड्स ये मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, ये हाइलाइटर से मैं इनका हाइलाइटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल इनको दिखना था, उनको सामने शीशा था, उनको बिल्कुल नेचुरल दिखना था। और ये फ्रेंड्स देख सकते हैं इनका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, और ये काफ़ी खुश थी। तो फ्रेंड्स आपका ये मेकअप कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मैं हैंड से ही कितना अच्छा मेकअप भी लग रहा है, और मैं जल्दी से 10 मिनट के अंदर तैयार भी कर दी, ये मैं बिंदी लगा दी, फिर इनका बाल मैं बनाई हूँ, उसका वीडियो मैं नहीं ली हूँ क्योंकि फ्रेंड्स नहीं ली हूँ, तो जल्दी था इसी वजह से नहीं ली हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं ब्लशर लगा रही हूँ, और ये फाइनल इनका रिज़ल्ट हो गया और बाल में बना दी थी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कैसी लग रही हैं। और आप देख सकते हैं ये रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, कितनी अच्छी लग रही है, पीछे घूमिए तो आप देखिए देखिए देखिए।
वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके बाय। बताइए कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं? हाँ, आप ठीक लग रही हैं, सेटिस्फाई है ना? कोई तरह का दिक्कत नहीं है ना? कम पैसा में अच्छा काम हुआ ना? में अच्छा काम हुआ है ना? है ज्यादा पैसा भी नहीं ली हूँ आप लोगों से। हाँ जरूर आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम भी इतना कम पैसा में की हूँ इसलिए नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, ठीक है? चलिए ओके, ठीक है, जाइए, बाय। देखिए देखिए देखिए,